कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स भी शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिए हैं। अब यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग एक टर्म बोल रहे थे जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस ऑफ कर देगा, ठीक है। तो वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, चूँकि यहाँ पे वर्ड डबल लगा है, यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा और दोनों एक दूसरे के कॉम्पोनेंट्स के साथ अपना प्रोडक्ट बनाएगा। चलिए इसे देखते हैं। लिखा है एक एक्टिविटी है 1.10, जिसमें बोला है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और BaCl2 का दूसरा टेस्ट ट्यूब में आप 3 ml, इसमें 3 ml आप सोडियम सल्फेट ले लीजिए और इसमें आप 3 ml बेरियम क्लोराइड का ले लीजिए। मिक्स द टू सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करिए। What do you observe? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो आगे लिखा है यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी प्रेसिपिटेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वैसा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जहाँ पे एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले टेस्ट ट्यूब में 3 ml हम लोग Na2SO4 लिए थे सोडियम सल्फेट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml हम लोग बेरियम क्लोराइड लिए थे BaCl2। आपस में जब ये लोग रिएक्ट किया तो Na इस Cl2 के साथ जा कर के NaCl बनाया और BA इस SO4, मतलब इसका जो पहला है इसके दूसरे के साथ जा कर के कंपाउंड बनाएगा और इसका जो पहला है इसके दूसरे के साथ जा कर के कंपाउंड बनाएगा, मतलब दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आगे लिखा है व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों के बीच में, दोनों के रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब एक बॉक्स है जिसमें लिखा है रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स किए थे। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उस एक्टिविटी को देखिए, उस समय भी जब एक्टिविटी पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड आयोडाइड बनेगा और इसके साथ जो प्रोडक्ट निकलेगा, लेड इसके आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा साथ में। तो हाँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इसका ये जो प्रोडक्ट्स बना वो दोनों रिएक्टेंट के एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण बना। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मैंने आपको उस समय भी बताया था कि इस रिएक्शन में येलो PPT का फॉर्मेशन होगा, मतलब येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।